बड़े धूमधाम से मनाया। तेजादशमी का पर्व मेले का भी आयोजन मन्नत धारी की तातिया तोड़ी गांव करोद कला में तेजाजी मंदिर पर उत्साह को लेकर प्रातः से ही भक्तों का तांता दर्शन हेतु लगा रहा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया व नगर में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों व बड़ों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ढोल व तासों के साथ निशान का चल समारोह के साथ गांव में भ्रमण कर मंदिर प्रांगण में पहुंचा। इसके तेजाजी के अंश के रूप में उनके द्वारा जीव जंतु से पीड़ित लोगों व पशुओं की लगभग 11 की तोड़ी गई। इसके बाद लगभग 51 निशान चढ़ाए गए। बाद में महाप्रसादी वितरण की गई। धार जिले के कडोद कला से कृष्णा मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया जाता है, श्रद्धालु आते हैं और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि तेजाजी महाराज जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके नाम से जो ताती बनती है, उस ताती को बांधने के बाद किसी भी सर्प का जो जहर है वो चढ़ता नहीं है, जो कि अपने आप में वास्तविक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में श्रद्धा का विषय का ये केंद्र इसीलिए है क्योंकि जब वो खुद उन्होंने अपनी बात को, उनको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस नाग देवता को वचन दिया था, उन्होंने बचाया था उनको कि जब तो नाग देवता ने कहा था कि आपने मुझे बचाया है और मुझे आपने जो अग्निशमन करने का समय था वो करने नहीं दिया, जिसके कारण मैं मोक्ष नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने वचन मांगा था, वचन के तहत तेजाजी महाराज आए थे और पूरे शरीर में घायल होने की अवस्था के कारण उन्होंने अपनी जीभ पे उनको जो नाग देवता है वो उन्होंने वहाँ पर डसा था और नाग देवता ने कहा था कि तुम अपनी बात के वचन पे खरे उतरे हो, आने वाले समय में अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सर्प से डसा हुआ रहेगा तो मेरे नाम मात्र से ही या आपके नाम मात्र से ही उसका सर्प नहीं चढ़ेगा, फिर ताती बांधने से ही उसका जो जहर है वो उतर जाएगा। तो इसीलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का जो जन्मोत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सभी श्रद्धालु आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक उनके मंदिरों में हर समाज वर्ग धर्म समुदाय का तांता लगा रहता है। और इसी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तेजाजी महाराज की जो एक कृपा है वो सब हम सब श्रद्धालुओं पर बनी रहे।